Raja Saab, two films have released just now with huge stars, you know, like Ajay Devgan and Akshay Kumar and Tiger Shroff. The films are not doing very well, you know, at the box office. So do you feel stardom exists now or it has come to an end? देखिए ऐसा है, अल्टीमेटली तो फिल्म चलती है। कोई दुनिया का एक्टर ये दावा नहीं कर सकता कि मैं फिल्म चलाता हूँ, ऐसा नहीं है। फिल्म जो है टोटेलिटी है, आपकी मेकिंग है, पब्लिक को कहाँ तक आप बांध कर रखते हैं उस पर मुनासिर होता है। अब हो सकता है कि फिल्म ये बाद में पिकअप कर जाए, यू नेवर नो। ये भी T20 की तरह होती हैं कि फर्स्ट डे कुछ हैं, सेकेंड डे कुछ हैं, कुछ चीज़ें जो हैं स्लो स्टार्ट लेती हैं, उसके बाद पिकअप करती हैं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छा इनिशियल लेती हैं लेकिन बैठ जाती हैं। आई थिंक लेट्स वेट एंड वॉच। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं वो एक्सपेक्टेशन से कम है, बट लेट्स वेट एंड वॉच। हैव यू सीन द मूवीज? नो, आई हैव नॉट सीन, बट आई एम reading all the reviews and I'm observing the collections also, so I do hope. देख, एक फिल्म चलती है पूरी इंडस्ट्री का फायदा होता है, so nice. और मैं दुआ करता हूँ कि ये फिल्में चलें, बहुत मेहनत से बनी है। जैसे ये अजय देवगन की फिल्म है, ये एक बहुत ही बड़े लेजेंड की लाइफ पे बनाई गई है। अब ये हो सकता है कि हम हिंदुस्तानियों की जो तवज्जो है वो पूरी की पूरी जो है क्रिकेट पे, फुटबॉल और हॉकी पे कम है, तो क्रिकेट का नाम सुनते ही लोग उछल जाते हैं और इतने क्रिकेट के दीवाने होते हैं कि जो टेस्ट मैच होते हैं या 2020 IPL ये मैचेस होते हैं तो बॉक्स ऑफिस पे भी उसका असर पड़ता है, लोग वो प्रिफर करते हैं जब तक ये चलते हैं। IPL का असर टेलीविज़न की इंडस्ट्री को हिट करता है, जितने भी सीरियल्स हैं इन सब की। तो मैं यही कह रहा हूँ कि लेट्स वेट एंड वॉच। अब फुटबॉल पे उन्होंने बनाई है, फुटबॉल जो है वो बंगाल में बहुत ज़्यादा खेली जाती है, गोवा में खेली जाती है, हिंदुस्तान के कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ फुटबॉल बहुत शौक से खेली भी जाती है और देखी भी जाती है। तो पूरी की पूरी फिल्म जो है फुटबॉल पर है, तो मैं तो ये कहूँगा कि मैदान, अगर मैदान मार ले तो बहुत अच्छा। ये कश्मीर फाइल से आपकी फिल्म कंपेयर हो सकती है क्योंकि कश्मीर पे बन रही है? फिल्मों को ऐसे कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी दो फिल्मों को, कोई भी दो किताबों को, तो कंपैरिजन इज इनएविटेबल। नहीं, कंपैरिजन मुझे नहीं लगता कि कोई कंपैरिजन है, क्योंकि वो एक एक चीज़ को लेके बात कही गई है। तो पूरे कश्मीर की जब आप इतिहास की बात करते हैं ना, 1931 से बात कर रहे हैं, वो 91 की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ 1989 से 91 तक की बात कर रहे हैं, वो दो साल की बात कर रहे हैं, मैं 90 साल की बात कर रहे हैं। तो वो स्पेन बहुत ज़्यादा बड़ा है, स्पेन बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत व्यापक परिकर भी हो जाता है जब आप इतने बड़े उसकी बात करते हैं, इतने 90 साल की आप इतिहास की बात करते हैं, तो ये बड़ा परिकर व्यापक सोच के साथ व्यापक बढ़कर उसका बहुत बड़ा स्पैन ऑफ टाइम इज ह्यूज, वेरी वेरी बिग, 100 इयर्स हिस्ट्री, 100 इयर्स, ऑलमोस्ट अ सेंचुरी, ऑलमोस्ट अ सेंचुरी। क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुए वहाँ पर, कैसे ये सब पॉलिटिकल सेंटर और नॉलेज का हब क्यों बना रहा है, क्यों कश्मीर के पीछे इतना सब? मैं तो आप लोगों से उम्मीद कर रहा था कि आप मुझे सवाल करेंगे कि 1931 क्यों चुना आपने। हाँ, तो बताइए ना क्यों चुना। लेकिन आपका सवाल वहाँ से नहीं आया, कोई नहीं, बताइए कि 1931 से पहले की तो कोई बात नहीं की, 1931 क्यों हमने चुना। 1931 ऐसा है कि कश्मीर ने एक करवट ली, कश्मीर हर 20-25 साल के बाद एक अलग तरीके से करवट लेता है जी। तो 1931 के बाद कश्मीर ने करवट ली, तमाम तरीके की हवाएं वहाँ चलने लगी और बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी, तो
उस समय से हमें थैंक यू।